नेम करते किस बात का, नेम करते इसका पंचायत में बैठ के बीच में रोडा मंदिर में शहर शहर के में बात सुन लो, हमने कान खोल के कि बहन अपने आप को वही आग लगा लेना, वही जिंदा जड़ना। अगर आप घंटा घंटा बर्बाद करोगे, सारी बातें हमारे को बताओगे, हमारी सिस्टर बताएगी, पानी को डिगड़ेगी, ये बात नहीं। मर जाओ खप जाओ, हम जाके आराम से पंचायत के साथ में सरपंच को लेके जड़वा के आएंगे, अंतिम संस्कार करवा के आएंगे। गोली बजनी सर जाते जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। तो भाई 11 बज गए, 2-3 मिनट रह रही है। तो पापा और नीचे इकट्ठे हुए हैं, बड़ा भाई भी आया। समस्या चल रही है परिवार में, भाई जो इसका समाधान होगा, जो समस्या आ रही है वो मैं बताऊंगा आपको। अब बने रहो, दिखाते हैं आप लोगों को क्या होगा हमारे साथ में। समस्या है, समस्या को हल करने जा रहे हैं, बस चल रहे हैं अभी, बस आपको फिर बताऊंगा। शुरू करता हूँ मैं। अभी माँ भी है और पापा भी आने लग रहे हैं। घर भी स्टार्ट हो गई। ये हमारा थाना तहसील में गाड़ी यहाँ खड़ी है, वहाँ भी बैठे पप्पू और यहाँ भी बैठ जाते थोड़ी देर। अरे भाई मिट्टी है इसके अंदर, जो मिट्टी तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, जो ईंटों पर रेता गिरता है ना, रेता वो वाला रेता, इसमें बारीक चिकने वाला 605 अर्जुन अल्ट्रा DIMS है भाई। हाँ ये बालों का सरपंच था, अंदर ही ओवरलोड की वजह से चलान दे रहा है इसका भाई, अंदर ही खड़ा है। बहुत सारे साधन है, एक्सीडेंट वगैरह के, और ट्राला भी चलान हुआ हुआ है। ये थाना है अभी आई नहीं, करते किस बात का, नेम करते इसका पंचायत में बैठ के बीच में रोडा मंदिर में शहर शहर के में हवालात है। माँ डर की देख कर बेचारी माता के पास दूसरी दुआई का। हाँ दुआई दर्द नहीं होगा। है? ठीक है सही है, सही है, सही है, सही है। पापा के कहना ठीक है, सही है। इतना दर्द है इन्हें ठावे से या दर्द है तमने ठावे। अच्छा सही है, सही है, परफेक्ट है। अच्छा तुम्हारा लेवल लक्षण से लग गया था दे। तो घर पे पहुंचे जी, सारा सब कुछ काम निपटा के। पहले हम घर से गए कलायत थाने में, हमारे जो कलायत थाना लगता है तो उसके अंदर हमारा केस आया हुआ था, जो भाई का केस था। पहले मैंने बता रखा आप लोगों को, अगर जिनको नहीं पता तो उनको बता देता हूँ, भाई और उसकी घरवाली का जो है वो केस चल रहा है, केस कर रखा उन्होंने दहेज केस। लेकिन जो सरकार मानती कि 12 साल के बाद में दहेज केस नहीं लगता, और हमारी जो भाई की थी कुछ ऐसी कोई डिमांड भी नहीं थी, तो ये सब झूठे केस हैं। सरकार को भी पता कि 12 साल के बाद दहेज केस अलाउड नहीं होता, और ना ये केस लगेगा बिल्कुल भी। तो उसके बाद में हम कलायत गए, मैं पापा माँ भाई, मेरे से बड़ा है जो राम रतन, और मैं, और पंचायत भी थी भाई जिसमें 20-30 लोग थे गांव के, उनकी तरफ से कोई नहीं था कलायत थाने में। जो हमारी कंप्लेंट थी
मेरे खिलाफ, माँ के खिलाफ, भाई के खिलाफ और पापा के खिलाफ, चारों की कंप्लेंट थी हमारी। ना उन मेरे दोनों बच्चे बाहर थे, जो मेरी घरवाली है वो भी बाहर थी केस से, ठीक है जी। उन्होंने ये ब्लेम कर रखा था कि भाई मैंने उनको मारा पिटा है, जो मेरा नाम लिख मेरा मैंने मारा पिटा है, कई साल पहले की बात है, तो 2016 पता नहीं 17 में ऐसे दिखवा रखे कि भाई मैंने उसको मारा पिटा है। और भाई के खिलाफ जो है वो है कि दहेज केस की भाई गाड़ी मांग रहे हैं मेरे से, मेरी जो टोम है, जो गहने हैं वो बेच के खा गया, जो गाड़ियाँ थी वो इसने इस पे से जड़ गई थी, वो अभी बर्न है जो गाड़ी जली हुई, वो उसका भी केस चल रहा है, वो फारिक नहीं हुई है। दूसरी गाड़ी थी डिज़ायर भाई के पास में, तो वो भी इन्होंने बेच दी थी, सेल कर दी थी। तो अब ये अपनी दूसरी गाड़ी से अपना काम चला रहे हैं, अब अकेले हैं। 10 महीने से ना गुड़िया मिली है इसको, एक बड़ी लड़की है भूमिका, दूसरी छोटी लड़की है जो कृतिका, दो लड़कियाँ भाई पे, वो मैडम अपने साथ में ही लेके गई हुई है उनके घर पे। सबसे मेन कारण है इसका भाई है, जो मैडम का भाई है, बड़े भाई की घरवाली का, तो वो उसने बीज बोए हुए हैं सारे, वही उसको बहका रहा है। वही भाई तो लेके आने को राजी है, लेकिन अब जो पहले चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ, केस तो नहीं, पहले कंप्लेंट चंडीगढ़ में हुई, फिर कैथल हुई महिला मंडल में, और फिर कलायत थाने में हुई तीसरी बार, और हर जगह से इनका केस है जो वो खारिज कर दिया गया है। सरकार मान नहीं रही कि भाई आप गलत ब्लेम कर रहे हो, सच्चाई सामने आ रही है हर जगह। हमारे यहाँ से 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 लोग हर बार हर पंचायत में जा रहे हैं, उनकी तरफ से कभी कभी माँ के साथ में वो भाई की घरवाली आ गई, या फिर उसके पापा के साथ में वो आ गई, और या फिर उसका भाई तो एक ही बार आया है पंचायत में, वो भी कैथल आया था महिला मंडल में। तो ठीक है जी, सरकार को जो हमारा हमारे अधिकारी हैं सबको पता लग रहा है कि भाई इनका कोई कसूर नहीं है, जो भी हम सबूत जुटा रहे हैं और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो सारी मतलब फेक है, उनकी तरफ से फेक घोषित कर दी गई अधिकारियों ने। क्या लेने आया? नमस्ते, क्या लेने आया? बस ये देना है। छरे मान गए आंटी। तो उनकी तरफ से भाई सारी चीजें फेक अधिकारियों ने घोषित कर दी कि भाई आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, आपकी सारी चीज़ें फेक है। इनकी तरफ से 40-40 लोग आ रहे हैं, आपकी तरफ से सिर्फ आप दो लोग आ रहे हो, और बच्चियां हैं जो अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर हैं हमारे, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप दोनों लड़कियों को लेके आओ, उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपकी कितनी गलती है, उनकी कितनी गलती है, आपके बीच में मार पिटाई कभी हुई है नहीं हुई है, आप दहेज केस मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो। तो ऐसा ये कारण है जी, मतलब जीने नहीं दिया जा रहा। तो ठीक है जी, तो कल जो पंचायत थी वो मेरे को भी बुलाया गया था उस पंचायत में, लेकिन हर बार जो थी वो मेरे को नहीं बुलाया गया था, दोनों तीनों चारों पंचायत में मेरे को नहीं बुलाया गया था। मेरे को अब स्पेशली बुलाया गया था कि भाई आपके बयान दर्ज होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या किया है, या फिर आप सहमत हो इस चीज़ से, तलाक से सहमत हो। उन्होंने साथ में तलाक के लगा रखे हैं, साथ में दहेज केस लगा रखा है, साथ में मार पिटाई का लगा रखा है, कई धाराएं ऐसी है जो इनलीगल तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम कर रखी हैं। तो और सरकार बिल्कुल भी उनकी बात मानने को राजी नहीं है। अब केस, अब उसमें से मेरा नाम कट गया, पापा का नाम कट गया और माँ का नाम कट गया, क्योंकि हमारे घर से जो 2016 मेरी 12/12/2015 में शादी मेरी हुई थी, और 12 और फरवरी महीना और 2012 में शादी हुई थी भाई की फरवरी महीने में, और उसके बाद में फिर ये 3 साल बाद आई थी मैडम जो भाई की घरवाली है, वो 3 साल बाद यहाँ पे हमारे घर पे आई थी, यानी कि 2015 के पहले दूसरे तीसरे महीने में, जब हमने ये मकान बनवाया था नया, ठीक है जी। तो ये मकान भाई का था और वो वाला मेरा मकान था जो ये यहाँ पे है, ये वाला। अब तो ये गेट बंद हो गया, मैंने सेल कर रखा है अपना जो अपना घर है, मेरे पास में थोड़ी सी पैसे की दिक्कत आई थी तो फिर मैंने इसको सेल कर दिया था 3 लाख रुपए में, आप लोगों ने वीडियो देख रखी होगी। तो अब ये भाई का मकान है, इसमें ही रह रहा हूँ,
कल हमारे नाम काट दिए हैं अधिकारियों ने कि भाई इनकी कोई गलती नहीं। 2016 से हम दोनों घर अलग हैं, यानी कि वो अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे। ये तुरंत मैंने 2 लाख रुपए का, रंपल भाई साहब का मकान है ये, उनसे 2 लाख रुपए का नगद लेके फिर मैं, जो मैं, मम्मी पापा और विनीत और कनिका शायद हुई थी, पता नहीं हुई, मेरे पक्की ध्यान नहीं है कि भाई कनिका उस टाइम होगी थी या। अब मेरे पास में माँ पापा, मैं और मैडम और कनी और विनीत, हम 6 हैं और भाई और भी 4 थे, ठीक है जी। अब वो ये मतलब 2016 से हम अलग हो गए थे, 1 साल भी मुश्किल से रहे हम, जो पार्टनरशिप होती है घर में। ये मेरा कमरा था जो ये वाला है, और ऊपर जो अभी रह रहे हैं वो भाई का कमरा था, ठीक है जी। वो 4 ऊपर रहते थे, हम 6 नीचे रहते थे। जा रहे हो? अच्छा, तो अलग अलग घर थे, अलग अलग जो हम काम करते थे पार्टनरशिप में। 15 दिन हो जाते थे दिल्ली में बड़ा भाई, और 15 दिन मैं जाता था, बहुत अच्छा काम था। तो इन्होंने फिर भी हमारे को जीने नहीं दिया, जो इनकी घरवाली थी भाई की, तो वो इस मकान में भी कलेश करती थी कि भाई दिल्ली क्यों जाता है, हमारे पास क्यों नहीं रहता। तो मतलब हर बार ब्लेम के साथ ही चलते रहे, 2012 से ही सारे लफड़े थे। ओए लक्ष्य, उसको बोल चुप। तो मतलब बड़ी मुश्किल से जो 3 साल का गैप इन्होंने शादी के बाद में दिया था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भाई हमारे को जरूरत है, बहू जो माँ है वो खेत का काम करती थी, बड़ी मुश्किल से जो शादी के बाद है हमने इनको बोला था कि भाई हमारे को घरवाली, हमने शादी जब भी की थी कि भाई हमारे को घरवाली चाहिए भाई को, जैसे तो हमारे को काम करने वाला घर पर नहीं था कोई, तो शादी करते ही इसीलिए भाई कि भाई जो माँ बाप होते हैं उनको सहारा मिले कुछ ना कुछ, ठीक है जी। तो बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इनसे हमने मैडम को जो है वो गलवाया था कि भाई हमारी बहू हमारे घर पे भेजो। बड़ी मुश्किल से 3 साल में, ये कह रहे थे 4थी साल में भेजेंगे, 3री साल में भेजेंगे, तो 3 साल में इन्होंने भेज दी थी, ठीक है जी। उसी दिन से इनके लफड़े शुरू हो गए थे, आते ही नया मकान खड़ा कर दिया था हमने, और दोनों भाई आराम से रहने लग गए थे। तो फिर इनकी उसी दिन से नीरज जी थी, तो मेरी मैडम के साथ में भी उसकी नीरज रही थी। तो इनके शुरू से ही ऐसे लफड़े चलते रहे, फिर मैं आज तक यहाँ तक खींच के ले आया इनको। पर ये अब 1 साल से इनके दोनों जियों के नहीं रची, ठीक है जी। 2016 फिर ये पिछले साल भाई, पिछले से पिछले साल हमारे को ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा था। ये चंडीगढ़ चला गया अपने बच्चों को लेके, जब वो यहाँ पे नहीं रही तो कह रही है मुझे चंडीगढ़ भेज दो उसके पास में, तो भाई आके चंडीगढ़ में भाई के पास भेज दिया इसको। दोनों गुड़िया और मैडम चारों जी आराम से रहने लग रहे। पर लेकिन रात को फ़ोन आते थे कि भाई ये लेट आता है, हम रह नहीं पाते, क्योंकि भाई शहर का काम है, 10-11 तो नॉर्मली बच जाते हैं, ठीक है जी। और ऐसा काम था भाई का ट्रैवलिंग का, जैसे ऊबर में या फिर ओला में, जैसे जो पेड़ प्लेट गाड़ी होती है डिज़ायर, वो चलाता था। जो ड्राइवर गाड़ी थी वो बर्न हो गई थी, तो वारिस बेरी का काम था, जैसे मेरा काम है, मैं 2 बजे उठता हूँ कि अब तक रात को 11 बजे सोता हूँ, ठीक है जी। अगर मेरे घरवाली मेरे को ब्लेम करे कि तुम पता नहीं बाहर क्या करते हो क्या नहीं करते हो, चलो अब तो डेली व्लॉग्स आते हैं तो वो समझ लेती है, लेकिन जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो उससे पहले भी मेरी घरवाली मेरे ऊपर विश्वास करती है भाई। विश्वास करना एक पति पत्नी का बहुत बड़ा एक साधन है, सबसे बड़ा विश्वास ही है। अब मैं बाहर कुछ भी करता रहूँ, मेरे क्या पता है मैडम को, कुछ भी नहीं पता। अब जब अगर मैं साफ हूँ और मैडम का विश्वास मेरे ऊपर है, और मेरा मैडम के ऊपर, मैं भी तो छोड़ के जाता हूँ ना मैडम को बाहर, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे ना तो वो रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और इनका भी वही हाल हुआ, इन्होंने एक दूसरे पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया, तो इसीलिए इनका डामाडोल हुआ और सिस्टम बिगड़ता गया। मैंने बताए बहुत हाथ पैर जोड़े, भाई के भी, मैडम के भी, उसके भाभी के, मैं कहा भाई बस जाओ, मैं अभी तक खींच के ले आया इनको, बस 1 साल से ये दूर है मेरे से, भाई भी और वो भी। हमने भाई को डिफॉल्टर घोषित करवा दिया था पापा ने, मैंने तो नहीं, पापा ने, कि भाई तू ना काम कर रहा है, ना तेरी घरवाली तेरे से राजी है, ना तू हमारे को जीने दे रहा। बार बार हमारे पास में फ़ोन आ रहे थे, मेरे घर पे फ़ोन आ रहे थे कि भाई रात भर को लड़ते थे ये, रात भर लड़ते रहते थे अपने आप, कि भाभी कहती थी कि भाई लेट आती है, वो आती है।
अरे जब अलग हैं घर से तो फिर हमारा तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन हम फिर भी सारा देते थे कि भाई कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से रहो, प्यार से रहो, किसी न किसी दिन ऐसा भी आएगा कि तुम लोग से ही खुश रह जाओगे। लेकिन भाई इनका कोई भी दिन ऐसा नहीं आया। फिर भाई विदेश जाने लग गया, कह रहा भाई मैं विदेश जाऊँगा, बाहर जाऊँगा। तो फिर ये बाहर जाने लग गया तो उस पर इन्होंने गंदा रिएक्शन किया, इन्होंने फिर कंप्लेंट कर दी भाई की। भाई को दो पुलिस वाले, उनका एक गांव का उनका पुलिस वाला था जो मैडम है पेगा की, तो उसके भाई का कोई दोस्त था पुलिस वाला, उस पुलिस वाले ने भाई की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की कमरे पे आके, गाड़ी गलौज, गंदी नाली का कीड़ा, ऐसे कुछ भद्दे शब्द बोले, बहुत ज़्यादा गंदे शब्द बोले। हमारे को पता लगा तो हमारे को बड़ा दुख हुआ कि भाई कंप्लेंट देता तो हमारे को बोल के देता, हमारे से अलग ज़रूर था लेकिन हम जिम्मेवार तो थे ना हर चीज़ के, हम हर चीज़ में इन्वॉल्व थे जिम्मेवारी वाले में। तो इन्होंने, इसकी माँ ने, जो भाई की सासू है, मैडम की माँ है, भाभी की, भाई की सासू ने, उसके भाई ने पुलिस में कंप्लेंट दे दी। तो दो पुलिस वालों ने बड़ी बदतर भाई की बेइज्जती की, तो भाई फिर भी नहीं रुका। तो पुलिस वालों ने भी बोला कि भाई ये विदेश जाएगा तो कमाने के लिए जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो भाई उनको, मैडम को, दोनों गुड़िया को यहाँ पे छोड़ के बाहर चले गए अगले दिन। तो यहाँ पे उनका घर था हमारा, वो तो बिल्कुल आराम से वो यहाँ पे एक रात ही रुकी है बस, वो भाई के विदेश जाने के बाद में विदेश चला गया भाई, पता नहीं मलेशिया, पता नहीं कौन से, हाँ मलेशिया ही गया था मेरे ख्याल से। तो मैडम एक ही रात यहाँ पे रुकी है बस, उस रात को भी मतलब क्या क्या बोलती रही, माँ को भी, मैडम को भी, और भाई पता नहीं क्या क्या बोलती रही। फिर वो सुबह होते ही राशन, उसमें राशन की दुकान में गई सरकारी राशन लेके, अपना जो सामान बैग में डाल के दोनों गुड़िया को लेके फिर चंडीगढ़ चली गई। मेरी माँ को बोल के गई कि भाई मैं तो वहीं रहूँगी और मैं वहीं से गुजारा कर लूँगी, बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं तो सारी चीज़ें ऐसी ऐसी करके। तो फिर वो बैठ के बस में वो चली गई वहाँ से, लेकिन वो चंडीगढ़ नहीं गई, वो सीधा अपने घर गई। वहाँ से जाके उन्होंने फिर दहेज केस डाला, तलाक के कागज डाले कि भाई हमारे को मतलब टॉर्चर किया जाता है, हमारे को पिटा मारा। फिर तो उसने छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना दिया। लेकिन भाई कानून बहुत बड़ी चीज़ है, कानून को मैं तो मानता हूँ भाई कि भाई कानून सबके साथ में न्याय करता है। और कल थाने में तो ठीक है जी, ये तो बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद में आप भाई भी घर से डिफॉल्टर है, ज़मीन जायदाद से सब कुछ से, ठीक है जी। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि भाई आओ तुम यहाँ पे रहो, भाई को भी हम बड़ा समझा रहे हैं कि भाई तो आ यहाँ पे अपने बच्चों के साथ में एक हफ्ता रहो या फिर एक हफ्ता बाहर रहो मेरे जैसे कर ले। भाई 15 दिन काम पे लगाया, मैं 10-10 दिन घर पे रह जाता हूँ, 20-20 दिन, 25-25 दिन, एक एक महीना भी घर पे रह जाता हूँ मैं। लेकिन बच्चों, भाई अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा भाई। बच्चों का ये भी होता है कि भाई पापा आए हैं, चीजी वगैरह, सभी के अपने अपने पेशेंस होते हैं, सभी की अपनी अपनी फीलिंग होती है बच्चों के साथ में। तो भाई वो बच्चों के साथ में रहना और एक काम करना, दोनों अलग अलग फीलिंग्स है भाई। काम तो भूखे ना मरेंगे इसीलिए करना पड़ेगा, बच्चों के साथ में इसलिए आना पड़ेगा कि भाई बच्चे पैदा ही क्यों कर रखे हैं हमने बच्चों के पास, अगर हम आएंगे ही नहीं तो। तो भाई इनका तो ये लफड़ा चलता रहा, इन्होंने मतलब बसने वाला एक भी काम नहीं करा। तो बहुत जोर लगाया भाई मैंने, इतना जोर कोई भी नहीं लगा सकता मैंने। इन्होंने एक रुपया भी नहीं कमाया 10 साल से, अभी जितने दिन हुए इनको, जब से अलग गए मेरे घर से, जब तक हम पार्टनरशिप में थे मैं कमाता था, भाई भी जाता था 15 दिन 15 दिन, मैं जाता था 15 दिन में, एक बंदा घर पर रहता था दोनों में से, और एक बंदा काम पर रहता था 15 दिन। तो मतलब जब घरवाली, जब हम हमारी सिस्टरों को पता क्या बोलते हैं कि बहन कुछ भी हो अपने आप को यहीं रखना है, और हमारे पास ऐसा फ़ोन कभी भी नहीं आना चाहिए कि भाई तुम्हारे जीजा ने ये किया, तुम्हारी मौसी ने ये किया, तुम्हारे मौसा ने ये किया, हमारे पास में तेरी शिकायत का कोई ऑप्शन नहीं है फ़ोन करने का। हाँ ठीक है, कोई ज़्यादा ही दिक्कत आती है तो हमारे को बता दो, हम फैसला फिर भी नहीं करेंगे आपका घर का, हम अगले बंदों को बोलेंगे, मौसा को, जीजा को, या फिर आपका देवरतन कर रहा है हमारी सिस्टर का, तो हम बोल लेंगे बस, सिर्फ हम कोई भी रिएक्शन उनका नहीं लेंगे।
हम तो सिर्फ ये बोलते हैं, हमारे दादाजी ने भी ऐसे बोला था हमारी बहनों को, हमारी बुआओं को, और हमारे पापा ने भी, और हम भी बोलते हैं भाई, मैं भी बोलता हूँ, मेरी बहन से बोलता हूँ, मैं ये बात सुन लो हमने कान खोल के कि बहन अपने आप को वहीं आग लगा लेना, वहीं जिंदा जल जाना, या फिर दवाई ले खा के मर जाना। हम अगले बंदे को एक भी बोल नहीं बोलेंगे, हम जाके सिर्फ जड़वा के आएंगे, अंतिम संस्कार करवा के आएंगे भाई। हम अगले बंदे को ये तक नहीं बोलेंगे कि भाई हमारी बहन मरी कैसे, हम बिल्कुल भी इस बात में, अरे तभी तो उनका घर बसेगा ना। हम अगर रात रात भर मेरी माँ बातें करेगी कि बेटे आज तेरे घरवाले ने क्या बोला, तेरे देवर ने क्या बोला, तो वो सारी बातें यहाँ बताएगी मेरी माँ को, मेरी माँ बताएगी हमारे को या फिर मेरे पापा को, तो हमारे को भी दुख होगा कि भैया ऐसे कर सकता है। तो उसमें भाई जब तक आप अपने घर की कोई भी बात रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने पापा को, अपनी माँ को नहीं बताओगे ना, तो आपका घर तब तक सुरक्षित है। अगर आप घंटा घंटा भर बात करोगे, सारी बातें हमारे को बताओगे, हमारी सिस्टर बताएगी, तो वो घर चलेगा ही नहीं। वो तो जब तक हमारी तरफ से डरेगी ना कि भाई मेरे भाई आके, तो बस सिर्फ हमारे, मेरे कोई डांटेंगे, मेरे कोई मारेंगे अपनी बहन को, बस तब उनका घर बसेगा। और समझाते हैं, जैसे खानदान होता है ना, बड़ा परिवार होता है भाई, उसका तो कोई लेवल ही नहीं होता इस चीज़ का। छोरी हमारी नहीं लगती, शादी करने के बाद में हमारी होती है बहू छोरी, जो हमारे घर की छोरी है ना, बहुएँ हैं, हमारा मानना ये है। बहुओं की जगह छोरियाँ हमारी हमने विदा कर दी, वो अगले की टेंशन है, ठीक है जी, मरो खपो तुम बसो, हमारी टेंशन है, ठीक है जी। बात हमने संस्कार दे रखे, हमारे दादाजी ने संस्कार दे रखे, हमारे माँ बाप ने संस्कार दे रखे अच्छे, कि भाई अच्छे तरीके से रहो, अच्छे तरीके से काम करो, ठीक है जी। हमारे को तो कभी भी ये नहीं हुआ कि भाई बहन हम आगे बस मारेंगे आगे जिज्जा को, फलाने को, डिगड़े को, ये बात नहीं। मर जाओ खप जाओ, हम जाके आराम से पंचायत के साथ में सरपंच को लेके जड़वा के आएंगे, अंतिम संस्कार करवा के आएंगे सीधा, बस ठीक है जी। और भाई इसमें कोई दो राय बात नहीं है, हम तो अगले का घर बसाने के लिए, अगर भाई लड़की किस लिए देते हैं, अगले का घर बसाने के लिए देते हैं, ये बात थोड़ी कि भाई जा बहन मार दे अगले को, बस मार के तू बस एक फोन कर दिए भाई आ जा, तो भाई हम तो बस सिर्फ जड़वा के आएंगे, मरवा देंगे बस, या तो हम खुद भी गोली मार देंगे अगले को, अगर अगली गलत होगी या फिर कुछ भी होगा, तो भाई हम गोली मारने वालों में से है, बस सीधा हिसाब है। ये बात नहीं कि भाई हमने जाके जिज्जा को भी मारा, देवर को भी मारा, ये हमारा हमारा मतलब हमारा वजूद ही नहीं है इस चीज़ में, हमारा हमारे साथ नहीं देते हमारे संस्कार, ठीक है जी। तो भाई अब हमारे तीनों के नाम कट चुके हैं, अब भाई जाने, भाई का साला जाने, भाई की घरवाली जाने। अभी तक भी मैं साथ में क्यों था, दोनों बच्चियाँ जो कृतिका भूमि, बस उनके लिए हमारा परिवार आज भी मर रहा है कि भाई तुम बस जाओ आज भी। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई ले आ अपनी को हाथ पैर जोड़ के, अपना घर क्यों उजाड़ रहा है किसी के चक्कर में। तो उसका साला, उसकी माँ, तीन बहनें हैं उसकी, जो मैडम की, जो हमारी मैडम भाभी है, उसकी दो बहनें हैं, मतलब बस एक भी ढंग से नहीं, हमारे वाले भी नहीं बसी, और ना वो दो बसी, और ना वो उसका भाई भी बसा बस रहा। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ भाई, देखो मेरा अब इस केस से कोई ताल्लुकात नहीं रहा, एक मिनट यहाँ बैठ जा चुपचाप। तो इस केस से देखो भाई मेरा कोई ताल्लुकात नहीं रहा, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा, ठीक है जी। लेकिन एक हैंड दूंगा, मेरे से लगा लो, मैं अपने घरवाले को मुंह में कपड़ा देके रोज पीटता हूँ, ये एग्जाम्पल भाई का साला कर रहा है, दुनिया में कोई भी नहीं बोलेगा भाई, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसके भाई के साले से भी कोई लेना देना नहीं है। जब यार अपनी घरवाली को कपड़ा मुंह में दे के पीटना ताकि आवाज़ ना जाए कहीं पे भी बाहर, तो भाई ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। कोई बोल देगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे को सुननी पड़ेगी तो घरवालों की सुन लूँगा कि भैया आपने ऐसा क्यों बोला किसी के साले के बारे में। कोई कुछ भी करे, किसी को मारे, ब्लेम करे, वो तो चलो, ठीक है जी। ये सारी बातें हमारे साथ में हुई है, तो बस जय श्री राम लिख रहे जी, बस कुछ नहीं शेर, कुछ नहीं, बस आप समझाओ अपनी बहनों को, ये बोलो कि बहन कि बेबे मर जाना, फांसी लगा लेना, हम बचाने नहीं आएंगे, लेकिन जब तक तुम लोग नहीं बसोगे, ठीक है जी, तब तक हम आपके साथी नहीं हैं, आप बसो हम आपके साथी हैं, ठीक है जी। बस यही बातें हैं जी, जय श्री राम। और कहने की कल बात जो उतर गई थी,
तो मैं दादाजी के पास में ले गया यार, क्लिप देखी होगी आपने, ठीक है जी। हाँ जी यहाँ हो आप, ठीक है जी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज।